नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। नमस्कार, मैं दीपाली गांजरे। दीपाली जी, क्या चल रहा है अभी फिलहाल में? अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि भोजपुरी प्रोजेक्ट है। किस तरह के प्रोजेक्ट किए हैं अब तक आपने? इंडस्ट्री में कितना टाइम दे दिया, ये कुछ बताया, अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करो। लाइफ के बारे में तो कुछ ऐसा इंटरेस्टेड बहुत सारे हैं बातें हैं, पर मैं अभी कुछ ओपन नहीं करना चाहूँगी इस बातों को। जो भी है, फिल्म रिलीजिंग के बाद मैं खुद ही अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहूँगी मेरे फ्रेंड्स लोगों को। मेरी शुरुआत तो मतलब एक छोटे गांव से है, जहाँ की इंडस्ट्री का कुछ माहौल ही नहीं है। पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अलग करूँ अपने गांव में, तो इसलिए मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, जहाँ से मुझे सपोर्ट कुछ भी नहीं है, बस आई एम सेल्फ डिपेंड हूँ मैं खुद पे। और करते करते बहुत छोटे से मैंने मतलब एज अ कैरेक्टर से काम चालू किया मैंने आज इंडस्ट्री में, और कुछ अभी प्रोजेक्ट फिलहाल कर रही हूँ अच्छे अच्छे। आप मराठियन हैं मतलब, और भोजपुरी सिनेमा करती हैं, तो कितना डिफरेंट रहा एक मराठी गर्ल को भोजपुरी सिनेमा करने में? कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आई? प्रॉब्लम तो बहुत आई, पर कुछ भोजपुरी में बहुत से सपोर्टेड लोग हैं कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और भोजपुरी में खड़ा होने में बहुत सी हेल्प की मुझे, और आज मैं भोजपुरी में कुछ प्रोजेक्ट अच्छे कर रही हूँ। पर फिलहाल मुझे कुछ मतलब बिग एक्टर के साथ चांस नहीं मिला, तो मैं फिलहाल चांस ढूंढ रही हूँ। कितने एल्बम अब तक हो चुके हैं आपके? एल्बम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एल्बम ओनली फिल्म। फिल्में कितनी कर ली हैं आपने? फिल्में तो मैंने 3-4 भोजपुरी फिल्में कर ली है, ऐसे कोई कैरेक्टर में किए, कोई सेकंड लीड में किए और कुछ लीड में भी किए। दीपाली, कोई अरमान जो अधूरे रह गए हों, जबकि आप इस मुकाम पे हो, आपने 4-5 फिल्में कर ली हैं, ऊपर से अच्छा खासा नाम कमा लिया, सारी भोजपुरी सिनेमा आपको जानती है, फिर भी कुछ अधूरे सपने? नहीं, इससे भी अच्छे लेवल पे जाना और एक सपना है मेरा, और भोजपुरी में सबसे बिग से बिग एक्टर के साथ काम करना। कौन सबसे अच्छा लगता है आपको भोजपुरी में? खेसारी। खेसारी लाल के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो? बिल्कुल, मैं वही चांस ढूंढ रही हूँ उनके साथ काम करने का ही। क्या पसंद है खेसारी की आपको, क्या कौन सी चीज़? खेसारी जी की मुझे कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो फिल्म में वो दिखाते हैं बहुत ही ज़्यादा उनका नोटी लुक। कौन सी फिल्म उनकी सबसे अच्छी लगी आपको? राजा बाबू। अच्छा, खेसारी एक भोजपुरी का अलग उभरता हुआ स्टार है, तो मैंने जितने भी हीरोइनों से पूछा सब खेसारी ही। आपको क्या ऐसा ख़ास लगता है खेसारी में कि मैं उनके साथ फिल्में करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिट होने के लिए खेसारी चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो ख्वाहिश नहीं है मेरी कि मैं हिट होने के लिए खेसारी जी को लाइक करती हूँ या पसंद। नहीं, उनकी जो मतलब बाकी जो एक्टर्स है उनसे उनकी एक्टिंग थोड़ी अलग होती है, वो बहुत फिल्म में जो दर्शाते हमेशा उससे इंटरटेनमेंट देते हैं पब्लिक को। उनके एक्टिंग से जो मिलता है पब्लिक को इंटरटेनमेंट मिलता है, सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट देने की कोशिश करते हैं हमेशा। और हीरोइन में कौन सी आपको अच्छी लगती है? काजल जी लगती है, अक्षरा जी भी लगती है। उनकी कोई चीज़ ऐसे जो पसंद हो आपको, डांस, डायलॉग या कुछ? काजल जी का मुझे बहुत ज़्यादा सर एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, और उनका जो भी है डांस करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। अक्षरा जी का भी एक्टिंग का बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ सीखती हैं आप खेसारी से या अक्षरा से या काजल से? बिल्कुल, फिल्में देखती हूँ तो सीखती हूँ। अच्छा, आप मराठी जगत से हैं तो बॉलीवुड में इंटरेस्टेड नहीं है आपकी मैं हिंदी सिनेमा करूँ? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टेड हूँ, उसके लिए भी स्ट्रगल कर रही हूँ। अच्छा, मतलब जो भी रिलीजन सिनेमा मिलेगा आपका आप वो भी करोगी और हिंदी सिनेमा भी करोगी? हाँ, मैं एज अ एक्टर हूँ तो मैं ऑल लैंग्वेज में काम करना इंटरेस्टेड समझती हूँ। और कुछ ख्वाहिशें आपकी जो आप दर्शकों को बताना चाहो कि मेरी ये अरमान है? अरमान और ख्वाहिशें तो बहुत है, फिलहाल दर्शकों को बोलूँगी कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट दो और मुझे साथ दो और फिर आशीर्वाद और प्यार दो। आने वाली कौन कौन सी फिल्में आपकी? मेरी आने वाली फिल्में प्यार का खेल फिलहाल एक ही है, अभी कुछ है आज़ाद परिंदे जो प्रभु जी के साथ में मैंने किया है, और आगे चल के तो बहुत ही लाइफ में एक अभी फिलहाल मूड पे है एक हिंदी फिल्म है मेरी अल्टीमेट डिसीजन, वो भी मैं करूँ। और दर्शकों से क्या कहोगी?
दर्शकों से बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आज तक जितना सपोर्ट और प्यार दिया आप लोगों ने, ऐसा ही प्यार मुझ पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.